उर्वरक, कपड़ा, रसायन और पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और वाणिज्य मंत्रालयों के तहत 7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE के निजीकरण या बंद करने के लिए प्रारंभिक सूची में शामिल होने की संभावना है। जी हां, आपको बता दें इसके लिए सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्रों में उद्यम PSE नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि गैर रणनीतिक क्षेत्र में लगभग 175 CPSE है, जिनमें से एक तिहाई अंततः बंद हो जाएंगे और बाकी की व्यवहार्य इकाइयों का निजीकरण कर दिया जाएगा, जबकि कुछ लाभकारी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। नीति आयोग सार्वजनिक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालय के अधिकारियों का एक समूह उन कंपनियों की पहचान कर रहा है जिनका सार्वजनिक उपक्रम नीति के अनुसार निजीकरण या बंद किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में रणनीतिक क्षेत्र की नीति का अनावरण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के 4 व्यापक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति है, जबकि शेष का निजीकरण या विलय या बंद किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मद्रास फर्टिलाइजर्स और नेशनल फर्टिलाइजर्स सहित उर्वरक मंत्रालय के तहत सभी 9 CPSE का निजीकरण किए जाने की संभावना है। देश द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक आयात को देखते हुए सरकार हाल ही के वर्षों में विनिर्माण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये कंपनियां उत्पादों के लिए कैप्टिव बाजार को देखते हुए निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक हो सकती हैं। कपड़ा मंत्रालय के तहत आने वाले CPSE के बीच केंद्र बीमार नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन NTC को बंद करने के लिए किया जाएगा, जिसमें अप्रचलित तकनीक वाली 23 मिलें हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली 2 व्यापारिक कंपनियां बंद हो जाएंगी क्योंकि उनके व्यवसाय वर्षों से अव्यवहारिक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।